की. मुख्य तौर पर उसकी स्थानीय आदतों, उसकी स्मृति में जो चीजें थीं, उसके पास जो जानकारियां थी, इसको लेकर के इस तरह की एक जानकारी तैयार की गई थी, जिसके आधार पर कुछ परिवारों को चिन्हित किया गया जिन्होंने दावा किया था कि वो उनसे संबंधित हो सकती है। उसमें एक परिवार को, जो महाराष्ट्र के परिवार को लेकर के, उसने कुछ स्मृतियों के माध्यम से कुछ बताया भी, कुछ क्षेत्रों की भी पहचान की, वहाँ के क्षेत्रीय जो परिस्थितियाँ थी उसका विवरण किया जो कि मैच करते थे। इसके आधार पर उसे वहाँ पहुँचाया गया है, लेकिन आगे की निर्णायक कार्रवाई के लिए आवश्यक है कि डीएनए मैच करे, और डीएनए मैच की प्रक्रिया चल रही है। उसमें एक एनजीओ के माध्यम से वहाँ पर उसे ले जाया गया है, और निश्चित तौर पर डीएनए को कराने के बाद ही, चूंकि डीएनए वह वैज्ञानिक पद्धति है जिसके माध्यम से हम 100% आश्वस्त हो सकते हैं, उसकी प्रक्रिया की उस प्रक्रिया के माध्यम से पुष्टि होते ही उसे पूर्णतः अंतिम रूप से सौंपा जाएगा। बहरहाल प्रक्रिया अभी प्रोसेस में